एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो रेडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मीन्स इन सिंपली रेडियंस रिडक्शन एंड ओएक्स मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, where there is oxidation there is always reduction, means in one of the reaction oxidation takes place, means in that reaction reduction also takes place. So that type of reaction is called as redox reaction. So yahan pe tino reaction observe karo, all these three reactions are redox reaction. Kya hai ye? Tino bhi redox reaction hai. In these three reaction what happen, sodium is oxidized, sodium is oxidized by addition of oxygen or addition of Cl2 or sulfur, मतलब chlorine or sulfur यहाँ पे add हो रहा है, मतलब addition of oxygen or addition of chlorine and sulfur. Chlorine and sulfur क्या है, electronegative element है, means sodium is oxidized. This is the first part. और second observation ये है कि यहाँ पे second observation में क्या हो रहा है, chlorine, oxygen और sulfur ये तीनों भी रिड्यूस हो रहे हैं. वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम इज देयर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? सोडियम है. तो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑल दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर रिड्यूस्ड. सो दीज टू आर द ऑब्जर्वेशंस. ये समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है? अभी नाउ देखो, मैं ये रिएक्शन आपको स्प्लिट करके दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे फर्स्ट हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और सेकंड हाफ में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन सेम केस ईच रिएक्शंस में है. देखो ध्यान से, यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है, सल्फर भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है. मतलब सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन, क्लोरीन या सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. सो बाय दिस ऑब्जर्वेशन आई कैन से, और दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट, what suggests that the half reaction that involve loss of electron, that is called as oxidation reaction, and similarly the half reaction that involves gain of electron is called reduction reaction. So if we summarize these points, I can say, or we may mention, that oxidation means what? The loss of electron by any species, and reduction means loss, gain of electron by any species, and oxidizing agent means what? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर जो कौन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड द रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, दोज हु डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट्स है या कुछ सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में डालना मत भूलिए. थैंक यू.